आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ Classify each of the following reactions as combination, decomposition, displacement or double displacement reaction. और एक एक एग्जांपल है हमारे पास ठीक है तो हमें बताना है कि ये कॉम्बिनेशन होगी या डी होगी या डिस्प्लेसमेंट होगी या, हो या डबल डिस्प्लेसमेंट होगी तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हो ठीक है डी वो है ठीक कॉम्बिनेशन के अपोजिट मतलब डी में क्या होगा एक सिंगल रिएक्टेंट रहेगा और वो अपने आप को ब्रेक करेगा दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में ठीक है थर्ड इज़ डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये होगा जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है एंड फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डबल से पता चल रहा है कि इसमें दोनों ही एलिमेंट्स एक दूसरे को एक दूसरे के कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देंगे ठीक है सो so, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा एंड अब अपने इक्वेशन पे आते हैं हम लोग सो एम जी ओ प्लस सी एट हाई टेम्परेचर गिफ्ट सी ओ प्लस एम जी अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि पहले ही ऑक्सीजन जो था वो मैग्नीशियम के साथ था है ना बट रिएक्शन के बाद क्या हो रहा है वो कार्बन के साथ हो जा रहा है इसका मतलब यहाँ पे कार्बन ने मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर दिया और वो खुद ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिसप्लेसमेंट रिएक्शन क्योंकि यहाँ पर कार्बन डिस्प्लेस कर रहा है है ना सो दिस इज़ एन डिसप्लेसमेंट रिएक्शन ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज आज डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर